तो दोस्तों, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शर्तें जारी कर दी हैं। यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू होगी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। सरकार ने इस योजना की घोषणा 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में की थी। सरकार ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। तो चलिए जान लेते हैं इस योजना की नियम व शर्तों के बारे में। कामगार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्कर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा। यह योजना रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कृषि कामगार, मोची धोबी चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के दूसरे कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करेगी। इस योजना से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी की इनकम 15,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। इसके अलावा व्यक्ति के पास आधार नंबर का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। योजना के साथ 18 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 55 रुपए मासिक राशि जमा करनी होगी। इतना ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी। अधिक उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान भी बढ़ता चला जाएगा। योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 100 रुपए मासिक अंशदान करना होगा, जबकि 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योजना अपनाने 200 रुपए प्रति माह का अंशदान करना होगा। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं, कामगार इस योजना से जितनी जल्दी जुड़ेगा उसको उतना कम मासिक राशि देनी होगी। यानी कि अगर वो 18 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसको केवल 55 रुपए देना होंगे, जबकि अगर वो 40 वर्ष की आयु में जुड़ता है तो उसको 200 रुपए प्रति माह जमा करने होंगे। योजना में प्रावधान होगा कि यदि कोई कामगार नियमित रूप से अंशदान करता रहा है और किसी वजह से बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी योजना को आगे बढ़ाने की पात्र होगी। वह आगे नियमित रूप से योजना में अंशदान कर सकती है। लाभार्थी की पत्नी अथवा पति अंशदाता की मृत्यु होने पर योजना से यदि बाहर होना चाहते हैं तो वह किए गए कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरी राशि को प्राप्त कर सकते हैं और योजना से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कामगार योजना को चला रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस योजना को उसकी पत्नी आगे चला सकती है, और अगर वो चाहती है कि हम योजना को आगे नहीं चलाना चाहते तो उसको पूरा पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा योजना के लाभार्थी के स्थायी रूप से अपंग होने की स्थिति में भी उसके पति अथवा पत्नी योजना को आगे जारी रख सकते हैं अथवा बाहर हो सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन का हकदार होगा और उसे पेंशन राशि का 50% भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, काफी अच्छी योजना है। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं और दोस्तों, 15 फरवरी से इसमें अप्लाई होने लगेगा और जैसे ही इसमें अप्लाई होने लगेगा उसका भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि सभी को इस योजना के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।